Assalamu alaikum, I am Adnan Shoaib, faculty member at COMSAT Institute of Information Technology, and today is our lecture number 26 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. And today we are going to complete our chapter that we have started last time, that is of buying of life insurance. कि buying कैसे करनी life insurance की और किस तरह थी. काफी चीजें हमने last time देखी थी, बहुत सारी चीजें देखते गए कि life insurance के अंदर क्या क्या चीजें required थी. कुछ चीजें थी, कोई चीजें हमने coverage भी की थी. हाँ, उसमें से कोई चीजें थी जो यू कैन से के आई वुड से के उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व थी, कि जिसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएशंस आ रही थी. इन द लास्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू रिवाइज समथिंग. कुछ पोर्शन मैं इसमें से उठाऊंगा दोबारा से, जो लास्ट लेक्चर हमारा गुजर चुका था उसमें से मैं उठाऊंगा. अब कुछ चीजें जो आप लोगों को नहीं क्लियर हुई, जो मुझे भी लग रहा था कि शायद मे बी वन मोर टाइम उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपको एक दफा और उसे देखें, उसे एक दफा और सुने और व्हाट सो एवर. तो जब आप उसे एक दफा और सुनेंगे या एक दफा और देखेंगे तो दैट मींस यू रिक्वायर सर्टेन थिंग्स, और उसी के हिसाब से आप उसे आगे लेकर चलेंगे. तो दैट मींस के वी रिक्वायर कि हमें यहां पे पता लगे कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट देम, कि किस तरह से हमने उसे इवेल्युएट करना है और किस तरह से हमने इवेल्युएट करके सामने लेकर आना है. तो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह से देखना है. लेकिन मैं उसे रिवाइज जरूर करूंगा कुछ पोर्शन को व्हेन वी टॉक अबाउट, स्पेशली जब हम बात कर रहे थे कि उसमें कि हमें किस तरह से इंश्योरेंस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह की टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस थी उन टाइप्स को मैं एक दफा दोबारा जरूर रिव्यू करूंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज देयर, ताकि आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमने किस तरह से उसे आगे लेकर जाना है. सो दैट मींस के वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह से आगे लेकर जाएंगे और किस तरह से उसे आगे एडजस्ट करेंगे. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आवर लेक्चर नंबर 26 ऑन द बाइंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. तो इससे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि वेयर वी वुड लाइक एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर, कि हम इसे आगे किस तरह से लेके आते हैं और कैसे उसे आगे लेकर आते हैं. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं. इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग्स, कि रिटायरमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं और किस तरह से बनते हैं. यानी हमारे जो अगले दो चैप्टर जो फर्दर कवर करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स एंड कंपनसेशन प्लान्स, कि रिटायरमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं. जो आपको कहती है इंश्योरेंस कंपनीज के हाँ जी ये रिटायरमेंट प्लान्स ऐसे बनते हैं, तो वो कैसे पता लगता है कि कौन से रिटायरमेंट प्लान्स बन रहे हैं और किस किस तरह से वो रिटायरमेंट प्लान्स हमारे सामने आ रहे हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कैसे आ रहे हैं और किस तरह से हमारे पास वैल्यूएशंस कंप्लीट होती हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर. हम स्टार्ट करते हैं इसे, हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं पे, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द इनकम टैक्स ट्रीटमेंट, के लाइफ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स ट्रीटमेंट कैसे आनी है और किस तरह से हमने इनकम टैक्स काटना है और किस किस चीज पे हमारे पास इनकम टैक्स लगेगा. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कैसे आनी, ठीक है. तो इनकम टैक्स ट्रीटमेंट को भी देखना हमने लाइफ इंश्योरेंस की, इनकम टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है, क्या वैल्यूएशन है, किस तरह है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी के इनकम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास कैसे आ सकती है और किस तरह से आएगी. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम्स. इन मोस्ट केसेस इंडिविजुअल कैन नॉट डिडक्ट द प्रीमियम्स दैट पे फॉर द इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कैन नॉट डिडक्ट द प्रीमियम्स दैट पे फॉर द इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, कि इंडिविजुअल नॉर्मली जो है दे कैन नॉट डिडक्ट द प्रीमियम्स दे पे फॉर द इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रीमियम सेपरेटली आ सकते हैं. द प्राइमरी एक्सेप्शन इज दैट फॉर समवन हु इज पेइंग प्रीमियम्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओन बाय द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. यानी प्राइमरी एक्सेप्शन क्या होंगी, इज समवन हु इज पेइंग प्रीमियम, जो पे कर रहे हैं प्रीमियम को ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हु इज पेइंग प्रीमियम ऑन अ life insurance policy owned by charitable organization. Yani who is paying premium on life insurance policy owned by charitable organization, ki wo life insurance policy kisne own ki hui, that is a charitable organization, ki use ek charitable organization ne rakha hua apne paas aur wo hi use own kar rahi, to definitely us pe hum log kya karenge, we are going to exempt our tax, hum log tax usme se nikal denge, usme se hum साइड पे कर देंगे, उस पर हमारा कोई भी चीज सामने नहीं आएगी. डेथ बेनिफिट्स पे आते हैं, किस पे आते हैं हम, डेथ बेनिफिट पे आते हैं. एज अ जनरल रूल व्हेन द इंश्योर्ड डाइज,
यानी क्या होता है, एज ए जनरल रूल व्हेन द इंश्योर्ड डाइज और डेथ बेनिफिट इज पेड द बेनिफिशियरी डज नॉट हैव टू रिपोर्ट द डेथ बेनिफिट एज अ टैक्सेबल इनकम इफ द प्रोसीड्स आर पेड इन लमसम. यानी बेनिफिशियर डज नॉट हैव टू रिपोर्ट. अब यहां पे देखिए बड़ी टेक्निकलिटी है कि जब हम बात करते हैं इंश्योरर्स की तो हम कह रहे हैं कि इफ द बेनिफिशियरी डज नॉट हैव टू रिपोर्ट द डेथ बेनिफिट, डज नॉट हैव टू रिपोर्ट द डेथ बेनिफिट एज अ टैक्सेबल इनकम. कैसे? एज अ टैक्सेबल इनकम इफ द प्रोसीड्स आर पेड इन अ लमसम. यानी प्रोसीड्स हमने किस तरह पे किए, इन अ लमसम. व्हेन सेटलमेंट इज मेड थ्रू अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, व्हेन सेटलमेंट इज मेड थ्रू अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स फ्रॉम इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी जनरली कैन एक्सक्लूड ओनली पार्ट ऑफ ईच पेमेंट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम. यानी लमसम में तो आप सारी की सारी आप टैक्सेबल इनकम में से निकाल लेंगे. यानी कि डू नॉट हैव टू रिपोर्ट द डेथ बेनिफिट एज अ टैक्सेबल इनकम. यानी कि बेनिफिशियरी को डेथ बेनिफिट नहीं लाना पड़ेगा यानी एक लमसम में. लेकिन जब वो इंस्टॉलमेंट में स्मॉल पेमेंट पे लेके आ रहे तो याद रखिएगा वहां पे कुछ पार्ट ऑफ ईच पेमेंट क्या कहेंगे आप, टैक्सेबल इनकम. क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ टैक्सेबल इनकम द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल डेथ बेनिफिट इज नॉट टैक्स. द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल ऑफ द ओरिजिनल बेनिफिट, यानी क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल डेथ बेनिफिट इज नॉट टैक्स्ड, कि वो टैक्स नहीं किया जाता. व्हाइल द पोर्शन दैट इज ड्यू टू इंटरेस्ट अर्निंग इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. While the portion that is due, यानी कि जो portion है that is due to interest earning is subject to taxation. कि आपने जो insurance policy थी और जिसमें से उसमें से earning जितनी थी वो interest base पे हुई है, तो याद रखिए वो जो interest base है that is subject to taxation. वो क्या होगी, that is subject to taxation हैंगे, वो taxation में subjectful नजर आ रही है कि that is subject to our taxations और हमारी taxations में वो clear cut नजर आ रही है कि हाँ that is subject to actual taxations. Income tax treatment of a life insurance, क्या आ रही है हमारे पास, income tax treatment of the life insurance. Cash values, if a life insurance policy with cash value is terminated before the death and the contract is surrendered for cash, यानी कि बिफोर डेथ हो गई कॉन्ट्रैक्ट इज सेंटर फॉर कैश और कैश वैल्यू पॉलिसी थी, इट इज लाइकली दैट देयर विल बी अ टैक्सेबल इनकम दैट मस्ट बी रिपोर्टेड. यानी इट इज लाइकली दैट देयर विल बी अ टैक्सेबल इनकम दैट मस्ट बी रिपोर्टेड इन अ ईयर ऑफ सरेंडर. यानी जितनी की कैश की हुई है उतनी वैल्यू आपने टैक्सेबल इनकम की तरह शो करनी है, दैट इज बीइंग इन दैट द ईयर ऑफ सरेंडर, कि जिस ईयर में सरेंडर हो रही है उस ईयर में हमने उसे शो करना है. द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीव्ड, टैक्सेबल इनकम कैश रिसीव्ड एट द टर्मिनेशन एंड द प्रीमियम दैट वर पेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यानी जितने की वो सेल आउट हुई है और जितने की आपने प्रीमियम दिए, जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन टू बी एज अ टैक्सेबल इनकम. उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ टैक्सेबल इनकम. मतलब प्रीमियम माइनस कैश वैल्यू इज टैक्सेबल अमाउंट. क्या हमारे पास, इट्स अ टैक्सेबल अमाउंट. यानी वो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट में एग्जिस्ट करेगी, कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन अ टैक्सेबल अमाउंट, के हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट के साथ साथ आएगी. व्हाइल द कैश वैल्यू पॉलिसी इज इन फोर्स द एनुअल इंक्रीमेंट टू कैश वैल्यू इनसाइड द बिल्डअप ऑफन स्केप इमीडिएट टैक्सेशन. यानी हर साल जो कैश वैल्यू में इंक्रीज आता है वो नॉर्मली इमीडिएट टैक्सेशन से बच जाता है, लेकिन जब भी वो पॉलिसी सरेंडर की जाएगी तो याद रखिएगा वो जो अमाउंट का डिफरेंस है वो टैक्सेबल इनकम में आएगा. इन मैनी पॉलिसीज दीज इंक्रीमेंट्स आर नॉट टैक्स्ड, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिन पे ये इंक्रीमेंट्स आर नॉट बीइंग टैक्स्ड, ये हमारे पास टैक्सेशंस में नहीं टैक्स किया जाता अंटिल द पॉलिसी इज सरेंडर फॉर इट्स कैश वैल्यू. अंटिल द पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर इट्स कैश वैल्यू, कि जब हम पॉलिसी को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, सरेंडर्ड फॉर इट्स कैश वैल्यू. यानी कि इन मैनी इंक्रीमेंट्स आर नॉट टैक्स्ड until the policy surrender, ki jab surrendering karenge to then it is lead to the policy, then it is lead to its cash value or it is lead to the taxable income. Life income tax treatment of life insurance, kya laga rahe hain hum, income tax treatment of life insurance. Cash values aa rahi, kya aa rahi hamare paas, cash values. In some policies however taxation of part of inside build up occurs every year. Yani cash values kya hai, in some policies however taxation of part of the inside buildup occurs every year. यानी कि in some policy however taxation of part of the inside buildup, taxation of part of in the inside buildup
occurs every year. Occurs kab? Every year. The determining factor depends on whether the policy meets the statutory definition of a life insurance as specified by ISIRC, Insurance Regulatory Commission. Yani kaun sa ye? Jo humne pehle lecture mein baat ki thi. Insurance Regulatory Commission. Policies that meet this definition are not subject to immediate taxation. Policies that meet this definition are not subject to immediate taxation of their inside buildup. Yani policies jo hai, that meet this definition are not subject to immediate taxation. Ke immediate taxations ke saath meet nahi kar rahe of their inside buildup. Yani policies jo hai, that meet this definition, jo is meet definition meet karti hain, are not subject to immediate taxation. Ki wo subject to immediate taxations nahi aati of their inside buildup. Cash value of policies that cannot meet the requirement was partially taxed each year. And determining the factor depends on whether a policy meets statutory or policy that meets this definition, yani jo definition hai usko meet karne hai, to they are not subject to immediate taxation of the inside buildup. Yani foreign taxation nahi aati. Cash value policies that cannot meet the requirement of partial tax will be partially taxed. Yani jo meet nahi karte wo partially taxed hote hain, complete taxed nahi hote. According to IRC, a policy is considered to be a life insurance. According to IRC, the policy is considered to be a life insurance for tax purposes. Of it, it meets at least one of the two tests. Yani kya ho gaya? According to IRC, a policy is considered to be a life insurance. A policy is considered to be a life insurance for tax purpose. Kya kahenge use? For tax purpose, of it meets at least one or two of the tests. Yani ki IRC, the policy is considered to be life insurance, provided that ki wo one of the two tests will apply kare. The intent of both tests is to assure that the cash value in the particular policy is not excessive in the relationship to the policy of death benefit. कि ये चीज चेक करने के लिए कि कहीं पे कैश वैल्यू आपके जो टोटल डेथ बेनिफिट्स हैं उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा, यानी एक्सेसिव तो नहीं है इन रिलेशनशिप टू द डेथ बेनिफिट. कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर प्राइमरली सेविंग व्हीकल्स, यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर प्राइमरली सेविंग व्हीकल्स एंड हैव ओनली अ नॉमिनल डेथ बेनिफिट. क्या है हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर प्राइमरली सेविंग व्हीकल्स. क्या है वो? प्राइमरीली सेविंग व्हीकल्स एंड हैव ओनली अ नॉमिनल डेथ बेनिफिट. यानी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर प्राइमरीली सेविंग व्हीकल, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दैट आर प्राइमरीली फॉर द सेविंग पर्पज आपने इंश्योरेंस लिए एंड हैव ओनली नॉमिनल डेथ बेनिफिट. क्या है उनके पास? नॉमिनल डेथ बेनिफिट विल बी अनएबल टू पास दीज टेस्ट. जारी बात है, जो सेविंग बेसिस है वो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी ग्रांटेड एन इनकम टैक्स एडवांटेज फॉर इनसाइड बिल्डअप. इसीलिए इनको यहाँ पे इनकम टैक्स एडवांटेज नहीं दिया जाता इस टाइप की पॉलिसी के जो बिल्डअप में इस किस्म की चीज लेके आगे आते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन. The contractual provision of the life insurance policy are of special significance to the insured. The contractual provision of the life insurance policy. The contractual provision of the life insurance policy has special significance to the insured. Yani iski special significance hai because it is through the wise use of these rights. Wo kiske through hai? Wise use of these rights that some of the most valuable benefits of protection can be obtained. Yani because it is through a wise use of these rights. Ye ek rights hain jinko wise use dein. Or it's that some of the most valuable benefits of protection can be obtained. Ke valuable benefits of protections that can be obtained with it. Yani usme se hum obtain kar sakte hain. इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज क्या है हमारे पास? इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज, ये याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज. इफ अ पॉलिसी हैज बीन इन फोर्स फॉर अ गिवन पीरियड एंड इफ द इंश्योर्ड हैज नॉट डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी फोर्स में नॉट, द इंश्योरर मे नॉट आफ्टरवर्ड रिफ्यूज टू पे द प्रोसीड्स और नॉट मे इट कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इवन ड्यू टू फ्रॉड. यानी कि आपके पास द इंश्योरर मे नॉट आफ्टरवर्ड रिफ्यूज टू पे द प्रोसीड्स, यानी इस क्लॉज में अगर होगा तो याद रखिएगा आपको इंश्योरर को रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट ऑफ प्रोसीड्स, नॉर मे इट कैंसिल द कॉन्टेस्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, और ना ही फ्रॉड के केस में कैंसिल कर सकता है. जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो याद रखिएगा वो कहलाएगा इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज. क्या कहेंगे उसे हम? इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज. दस इफ एन इंश्योर्ड इज फाउंड टू हैव लाइड अबाउट हिज और हर फिजिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वाज मेड इन लाइफ इंश्योरेंस,
And this misrepresentation is not discovered until after the expiration of the incontestability clause. The insurer may neither cancel the policy nor refuse to pay the amount if the insured has died from the cause not excluded under the basic terms of policy. यानी कि अगर उसके पास पता है कि उसने कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने मिसरिप्रेजेंट की थी, बताई नहीं थी, क्या नहीं की थी हमारे लिए, मिसरिप्रेजेंट की थी और बताई नहीं थी, तो जब उसने अगर बताई नहीं थी वो चीजें, तो याद रखिएगा वो यहां पे हम कहेंगे कि वो उसने डिस्कवर भी नहीं की और बताई भी नहीं, फिर भी और से बाद में पता लगता है एट द टाइम कि हाँ जी ये चीजें क्लियर थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता. और अगर डेथ हो जाए फ्रॉम एनी ऑफ द पैरल्स दैट आर बीइंग रिटन ऑन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे सारे के सारे पैसे लाजमी देने पड़ेंगे. यानी दिस इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज इज इन द फेवर ऑफ एक्चुअली इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड के फेवर में है और इंश्योर्ड के फेवर को ही आगे लेके जाता है. सब एज अ टाइम लिमिट विद इन विच द इंश्योरर मस्ट डिस्कवर एनी फ्रॉड, यानी ये भी एक तरह से कि एक तरह से इंश्योरर को टाइम लिमिट दे रहा है कि इसी के अंदर डिस्कवर करें फ्रॉड इफ देयर इज एनी, यानी कोई अगर इंश्योर्ड के पास है. द लीगल जस्टिफिकेशन फॉर दिस क्लॉज इज टू प्रोटेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी फ्रॉम डाउटफुल क्लेम्स बाय इंश्योरर, कि जबरदस्ती डाउट्स क्रिएट करने से इंश्योरर को रोके और उसकी क्लेम्स की हिफाजत करे जो भी उसके बेनिफिशियरीज हैं उसके लाइफ इंश्योरेंस के. That the disease has made misrepresentation after it becomes impossible for the disease to find against or to deny the application. क्या होगा? Or to deny the application. कि यानी कि उसके पास एक rights आ जाते हैं that the disease had made misrepresentation after it become impossible for the diseased. यानी impossible for the diseased to defend against. किसके लिए? Defend against or to deny the allegation. कि defense भी करे against and to deny the allegation. कि allegations को deny भी करे. Then there is a suicide clause. Incontestability clause आई तो then there exists a suicide clause. कौन सा आ रहा है हमारे पास? Suicide clause आ रहा है. Partially protect the beneficiary from the financial consequence of suicide. अब ये clause जो है ये partially beneficiary को protect करता है from the suicide clause. किसमें से? From the suicide clause. ये उसमें से उस beneficiary को separate कर रहा होता है. States that if the insured does not commit suicide for at least a stated period, usually 2 years for issuance of contract, the insurer may not deny liability until the under the policy of subsequent suicide. कि अगर वो 2 साल तक उसके टाइम दिया जाता है कि अगर 2 साल में सुसाइड की नहीं की तो उसके बाद अगर सुसाइड भी हुई तो इंश्योरर हैव टू पे अ कंप्लीट अमाउंट टू अ बेनिफिशरी, ताकि यहाँ पे हम इसे बेनिफिशरी को इस सुसाइड अटेम्प्ट के थ्रू इसमें से भी प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि अगर वो बंदा सुसाइड भी करता है देन स्टिल बेनिफिशरी गॉट सम अमाउंट, कि बेनिफिशरी को फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता. If the suicide occur with 2 years of the issuance of policy, कि within आए, तो then the insurer only obligation is to return the without interest premium that has been paid, ताकि वो premium सारा का सारा वापस दे सकता है. अगर वो within 2 years suicide दे, उसके बाद हो तो सारे का सारा उसे overall stated amount की सारी policy के beneficiary को देनी पड़ेगी. लेकिन within 2 years only premium without interest will be returned, कि जितना premium दिया वो सारा का सारा without interest आपको return हो जाता है. Misstatement of age and sex, that is also being a thing. Misstatement, misrepresenting one's age in life insurance is material to accepting the risk and normally would become a defense against the payment of proceed. कि sometimes misstatement of age, of one's age in life insurance is material to accepting the risk, and normally would become a defense. Against payment of proceed. कि ये normally become defense हो जाती है against the payment of proceed. के against the payment of proceed they are the they would become a defense against the payment of the proceed. के payment of the proceeds के against ये defense में आ जाता है. Without some control over this possibility, it would become possible for people to understate their age and obtain lower life insurance premium. Without some control over this possibility, इस possibility के control के अलावा, it would become possible for many people to understate their age and obtain lower life insurance premium. ये कई दफा लोग इसके possibility के सामने होते हुए भी, फिर भी यहाँ पे lower age state करके अपना premium कम रखवा लेते हैं. यानी उनका premium क्या होता है? Lower side पे रखवा लेते हैं. Proof of the age is therefore required before proceeds are paid. यानी proof of age is required. यानी proof of age हमें क्या required है? Is therefore required before proceeds are paid. यानी proof of age should be there
इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर प्रोसीड्स आर पेड, के बिफोर प्रोसीड्स पे जाए तो प्रूफ ऑफ एज आपको देनी पड़ती है, इन अदर वर्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट और व्हाट सो एवर. सो दैट इज द प्रूफ ऑफ एज. अंडर द मिसस्टेटमेंट ऑफ एज क्लॉज इट इज डिटरमिंड that policy holder age has been misrepresented. Under the misstatement of age clause, it is determined that the policy holder has been misrepresented his age. Yani usne apni age jo misrepresent ki hai. The insurer adjusts the amount of proceed payable rather than cancelling the agreement together. The insurer adjusts amount of proceed. क्या करता है? वो adjust करता है amount of proceed payable rather than cancelling the agreement altogether. बल्कि वो क्या करता है? Insurer अपने पास amount of proceeds जो है या premium के amount जो है उसको readjust करता है rather than cancelling the agreement altogether. कि सारा का सारा agreement cancel नहीं करता, बल्कि proceeds अपने पास adjust कर देता है. Proceeds will be adjusted in a similar manner through the misstatement of sex clause. यानी प्रोसीड्स विल बी एडजस्टेड इन अ सिमिलर मैनर एंड द मैनर दैट द मिसस्टेटमेंट क्लॉज विल बी एडजस्टेड. इट इज कॉमन फॉर फीमेल टू पे लोअर प्रीमियम देन अ मेल्स वन ऑफ अ सेम एज व्हेन परचेजिंग अ लाइफ इंश्योरेंस. नॉर्मली फीमेल्स का प्रीमियम लो होता है एज कंपेयर टू मेल. सो व्हेन परचेजिंग अ ईमेल, तो आप अगर अपनी सेक्स भी मिसस्टेट करोगे तो देन इट इज ऑल्सो बींग टूवर्ड्स द कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी और एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम by not cancelling the agreement all together. के सारा agreement एक साथ cancel नहीं करते, but misstatement में include हो जाता है. Entire contract clause, अब क्या आ रहा है हमारे पास? Entire contract clause provides that the policy together with the applications constitute the entire contract between the parties, desirable for the protection of insured and the beneficiary, because without this clause it might be possible to affect the right of the respective party through changes in bylaws or in charters of the insurer. कि in charter of the insurer भी आ सकता है और इस clause में भी exist कर सकते हैं. तो ये क्या है? Provides that the policy together with the application constitute the entire contract between the parties. Parties आ जाती हैं, and that means that the provides the policy together with the any entire contract clause provides that the policy together with the application constitute an entire contract between the parties. के ये हमारे पास entire contract हो चुका है, और यहाँ पे respective party through changes in bylaw in the charter of insurer. कि यानी without this law it might be possible to affect the rights of the respective parties. कि अगर ये clause नहीं डालेंगे तो दोनों rights नहीं बदल दोनों के राइट्स हिट होंगे, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के. ये क्लॉज आपके ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को बांधता है, यानी आप दोनों के रिलेशनशिप, यानी जो इंश्योरर एंड इंश्योर्ड है उनके रिलेशनशिप को ये वाला जो आपका क्लॉज है ये बांधता है, ताकि इस पर कोई और इफेक्ट या कोई और चीज का इफेक्ट ना आ सके. नाउ assignments are an insured may wish to assign the benefits of life insurance policy. The insured may assign kya often called collateral to for loan. May wish to assign a benefits of life insurance policy. Permission of insurer is not necessary. But the insurer must be properly notified in writing. Ki insurer jo hai must be notified ho in writing of the assignment. और else is not bound by it. यानी कि आपने जो भी ठीक असाइनमेंट कर दी, आपने इन राइटिंग फॉर्म में इंश्योरर को जरूर इन्फॉर्म करना है कि आपने किसको क्या असाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इफ द इंश्योर डाइज द इंश्योरर पेज द होल्डर, अब क्या कर रहा है? इफ द इंश्योरर डाइज द इंश्योरर पेज द होल्डर ऑफ द असाइनमेंट दैट पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स. क्या करेगा? इफ द इंश्योर डाइज द इंश्योरर पेज द होल्डर ऑफ द असाइनमेंट that part of proceed equal to the outstanding debt, then pay the remainder to the named beneficiaries. कि आपने assignment कर दी कि पहले कि suppose आपने किसी से 1 crore loan लिया हुआ है, आपके पास 1 million की life insurance policy लेते हैं, suppose 10 million की. आप कहोगे कि ठीक है जी, मेरी ये life insurance policy है, अगर मैं मर गया तो ये पहले इस बंदे को आपने देना है. That is known to be assignment. हाँ, उसके बाद जो बच जाए, you are going to give it to these named beneficiaries. So an assignment is like that. Assignment इसी के बेस पे बनती हैं और assignment इसी के साथ साथ आगे चलती हैं. Now there's a dividend options. Some life insurance policies are participating. They pay the policy maker owner dividends. The dividends are not distribution of a profit but partial returns of the premium payment.
पार्शियल रिटर्न्स होती हैं एक तरह से प्रीमियम पेमेंट्स की, रिफ्लेक्ट्स द इंश्योरर्स एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू मॉर्टेलिटी इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंस, यानी रिफ्लेक्ट्स द इंश्योरर्स एक्सपीरियंस, किसको शो करता है इंश्योरर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू मॉर्टेलिटी, किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मॉर्टेलिटी इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस, मॉर्टेलिटी इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल टू द रेसिपिएंट, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल टू द रेसिपिएंट, के डिविडेंड्स जो है वो टैक्सेबल नहीं होते टू द रेसिपिएंट्स, के रेसिपिएंट्स के हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं होते, इंश्योरर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, इंश्योरर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, हाउएवर द डिविडेंड्स मे बी सब्सटेंशियल, तो द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल टू द रेसिपिएंट, पहला काम क्या है, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल टू द रेसिपिएंट्स, के रेसिपिएंट्स को हम लोग टैक्सेबल नहीं होते, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, एंड इंश्योरर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, and however dividends may be substantial, ab wahan ka dividends are not but a partial return of the premium payments, reflect the insurer experience with respect to mortality investment income and expenses, dividends are not taxable to recipient, insurers are not required to pay dividends, yani insurers are not required to pay dividend, however dividends may be substantial, ke dividends ki jo amount hai that should be substantial, kya honi chahiye wo dividend ki amount substantial honi chahiye, kyunki agar substantial hogi to then it would be fine. कैश और पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कैश और पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पॉलिसी ओनर मे स्पेसिफाई दैट ऑल, अब क्या है यहां पे, दैट ऑल डिविडेंड्स आर ईदर टू बी पेड टू पॉलिसी ओनर इन कैश, द पॉलिसी ओनर मे स्पेसिफाई, क्या करेगा, पॉलिसी ओनर मे स्पेसिफाई दैट ऑल डिविडेंड्स आर ईदर टू बी पेड टू द पॉलिसी ओनर इन कैश और बी अप्लाइड टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू, कि क्या वो सारे के सारे पेमेंट इन कैश डिविडेंड कर दें या वो जो पोर्शन है वो उठा के नेक्स्ट प्रीमियम में से कम कर लें और प्रीमियम में डिस्काउंट दे दें, दैट इज बीइंग पॉसिबिलिटी, कैश और पेमेंट ऑफ प्रीमियम, यानी क्या तो कैश में चाहिए आपको या नेक्स्ट टाइम के पेमेंट प्रीमियम में उसको एडजस्ट कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, नेक्स्ट टाइम के पेमेंट प्रीमियम में उसे एडजस्ट कर लिया जाए ताकि उसकी एडजस्टमेंट आपको नजर आए, क्लियर कट सामने नजर आ रही हूं. Accumulation of interest. Sometimes there exists interest accumulation. An insurer may retain the dividends and pay interest on accumulation accumulated account. The insurer may retain the dividends. क्या कर सकता है? Insurer may retain dividends and pay interest on accumulated account. कि यानी क्या करे? अपने पास dividends accumulate करे और pays the interest on the accumulated account. कि जितनी amount उसके पास accumulate हो गई उस पर interest pay करे. The minimum guaranteed interest rate is stated in the policy. जो minimum guaranteed interest rate है, that is stated in the policy, कि वो policy में stated है. Although the insurer often pay more than guaranteed minimum. Although the insurers often pay more than guaranteed minimum. That means the minimum guaranteed interest rate is stated in the policy. Minimum guaranteed interest rate is stated in the policy. Although insurer often pay more than guaranteed minimum, although insurer jo hai that often pay more than guaranteed minimum, the dividends themselves are not taxable, the dividend themselves are not taxable, ki wo wahan pe taxable nahi hote, but interest paid on them through this option is taxable, lekin agar wo accumulate karke tax pay kar raha hai तो याद रखिएगा, जो आपको एक्यूमुलेट करके इंटरेस्ट पे कर रहा है तो याद रखिएगा उस केस में वहां पे आपको टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा, बिकॉज जो भी इंटरेस्ट आपको गेन होगा दैट इज बीइंग टैक्सेबल, वो क्या होगा आपके लिए टैक्सेबल होगा. व्हेन डिविडेंड्स आर पेड एंड आर नॉट विदड्रॉन प्रायर टू द इंश्योर्ड डेथ, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड एंड नॉट विदड्रॉन टू प्रायर टू द इंश्योर्ड डेथ द एक्यूमुलेटेड डिविडेंड्स आर एडेड टू द पॉलिसी फेस अमाउंट, वो सारे के सारे उठते हैं और किसका पार्ट बन जाते हैं, फेस अमाउंट का, एंड आर पेड टू द बेनिफिशियरी एज अ पार्ट ऑफ डेथ बेनिफिट, एंड आर पेड टू बेनिफिशियरी एज अ पार्ट ऑफ डेथ बेनिफिट, के डेथ बेनिफिट की तरह ये उसको दे दिए जाते हैं इन द टू द बेनिफिशियरी एज अ पार्ट ऑफ डेथ बेनिफिट, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ डेथ बेनिफिट आर नॉट कंसिडर्ड टैक्सेबल, हाँ फिर अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तो याद देखिएगा वो स्टिल दे आर नॉट बींग टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं है या वो टैक्सेस में इनकॉर्पोरेट नहीं होते, दैट मीन्स दैट आर नॉट बींग टैक्सेबल. नाउ पेड अप एडिशंस आर ऑल्सो देयर. Policy owners of the whole life policy usually are offered
the paid up addition options. Any policy owner of whole life policy, you will offer the paid up addition option. Each dividend is used to purchase as much single premium whole life insurance as possible. Yani each dividend is used to purchase as much single premium whole life insurance as possible. Yani uske through hum log kya purchase karne ki koshish kar, single premium whole life insurance. An economical way to buy additional life insurance. No commission or other acquisition expense must be paid. No commission or other acquisition expense must be paid. No medical examination or other evidence of insurability is required. No medical examination or other evidence of insurability is required. Yani koi bhi medical examination or other evidence of insurability is required. The insurance purchased under this option provides additional death protection and has cash value. यानी ये इंश्योरेंसेस एडिशनल डेथ बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती हैं और हैज आल्सो हैज अ कैश वैल्यू. क्या है उसके पास? कैश वैल्यूज भी इनके पास होती हैं. वन ईयर टर्म ऑप्शंस भी हैं. वन ईयर टर्म ऑप्शंस क्या है? यूजेस ईच ईयर्स डिविडेंड टू परचेज एज मच वन ईयर टर्म इंश्योरेंस एज पॉसिबल. इंश्योर्ड कैन इंक्रीज देयर डेथ प्रोटेक्शन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट विदाउट एडिशनल प्रीमियम पेमेंट. उसमें एडिशनल प्रीमियम पेमेंट नहीं आती. समटाइम्स द अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस मे बी लिमिटेड टू द साइज ऑफ पॉलिसी. यानी कि अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस जो है, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस मे बी लिमिटेड. यानी अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस जो है वो मे बी लिमिटेड हो, बहुत ही लिमिटेड हो, लिमिटेड टू द साइज ऑफ पॉलिसी. यानी कि अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस लिमिट साइज ऑफ पॉलिसी अक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू और इट्स फेस अमाउंट, ये फेस अमाउंट तक ही रहती है. एनी रिमेनिंग डिविडेंड कैन बी टेकन अंडर अनदर डिविडेंड ऑप्शन. बाकी रिमेनिंग डिविडेंड किसी और डिविडेंड ऑप्शन के अंदर हम ले जाते हैं. नॉन फॉरफीचर ऑप्शन आ रही है, ठीक है. अब यहां पे नॉन फीचर में आ रही गारंटीज दैट द सेविंग्स एलिमेंट्स इन द पॉलिसी विल नॉट बी फॉरफीटेड बाय टू द इंश्योरर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. क्या गारंटी दैट द सेविंग्स एलिमेंट्स इन अ पॉलिसी, सेविंग्स एलिमेंट्स इन अ पॉलिसी विल नॉट फॉरफीटेड टू द इंश्योरर, विल नॉट फॉरफीटेड टू द इंश्योरर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर गारंटी दैट द सेविंग एलिमेंट्स इन अ पॉलिसी will not forfeit it to the insurer under any circumstances, but will always accrue to the benefit of the insured. But that would remain accrued in a benefit of insured. Required by law in all states. Prior to this requirement, there were cases in which aged person agreed to sell their policy to speculators when they could no longer afford to pay the premium. Yani hamare paas kya hai? Prior to this requirement, required by law in all states. Prior to this requirement, there were cases in which aged person agreed to sell their policy to speculator when they could no longer afford to pay the premium. कि prior to investment, ये भी होता है कि कुछ old age जो होते हैं लोग, वो अपनी policy किसी को sell कर देते हैं, provide that कि वो खुद उसका premium नहीं दे पा रहे होते, तो वो किसी को इसकी sold out दे देते. The insured seldom fared well in these transactions. और जाहिर बात है, normally insured जो होते हैं, जो old age persons होते हैं, वो इससे fare well कर लेते हैं, because वो पूरी की पूरी policy को एक ठीक-ठाक worth लगाते हैं, या worth of एडजस्टमेंट्स लगाई जाती हैं उसमें, और जिसके थ्रू यहां पे वर्थ निकाली जाती है. नाउ देयर इज अ कैश वैल्यूज ऑप्शन. क्या आती है हमारे पास? देयर एग्जिस्ट अ कैश वैल्यू ऑप्शन. द पॉलिसी मे बी सरेंडर्स फॉर कैश, कैश के अगेंस्ट सरेंडर भी किया जा सकता है. द शेड्यूल ऑफ गारंटीड मिनिमम कैश वैल्यूज इंक्लूडेड इन द पॉलिसी, कि कितनी मिनिमम वैल्यू लगेगी उस पॉलिसी की व्हेन इट इज बीइंग सरेंडर्ड. ऑल्दो द एक्चुअल कैश वैल्यू इन पॉलिसी मे बी वेरी considerably from the minimum guaranteed. Although the actual cash value in policy in policy actual cash value kitna may vary considerably, yani ke cash value may vary considerably from minimum guaranteed, ke minimum guaranteed kitni hai, yani ke wo uske alawa change bhi ho sakti hai, yani actual aur guaranteed same nahi hogi. Before payment is made, any outstanding indebtedness is subtracted. Before payment is made, यानी payment देने से पहले any outstanding indebtedness is subtracted, यानी कि अगर cash value पे आपने surrender की है, उस आपको payment करने से पहले या उसकी आप सबसे पहले indebtedness, कोई आपकी हमारे के पास कर्ज है, उसको पहले पूरा किया जाएगा और जो बचेगा वो आपको मिलेगा. The cash is usually paid immediately, although the issuer has the right to delay payment for as long as 6 months. Although the insurer has a right, इंश्योरर के पास क्या है? Has the right to delay payment. Insurer has the right to delay the payment for as long as 6 months.
After 30 days, the insurer is entitled to interest on the amount due. Okay, insurer is entitled to interest on amount due. That although the insurer has a right to delay payment, an insurer has a right to delay the payment for as long as 6 months. After 30 days, the insurer is entitled to interest on the due. यानी कि insurer को अब फिर जितना भी amount की due है, उस पे interest चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो 3 to 6 months तक से ज्यादा डिले नहीं कर सकता पेमेंट को. पेड अप इंश्योरेंस ऑप्शंस भी है. द इंश्योरर यूजेस द कैश वैल्यू टू बाय एज मच सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस एज पॉसिबल. यानी कि इंश्योरर ये भी कर सकता है कैश वैल्यू से वो बाय कर ले एज मच एज सिंगल पॉसिबल लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि जितनी भी आपके पास एज पॉसिबल टू ऑन द लाइफ ऑफ इंश्योर्ड गिवन द साइज ऑफ कैश वैल्यू. द सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज परचेज्ड एज एग्जिस्टेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी. द सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज परचेज्ड, सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज परचेज्ड ऑन एज एग्जिस्टेड फॉर द ओरिजिनल पॉलिसी. यानी सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज परचेज्ड एज एग्जिस्टेड फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी. The only difference is that new death benefit will be lower now than before. Yani death benefit is lower now than before and no more premium will be required after option is exercised. Aur usme koi additional premium nahi required hoga after the option is being exercised. Ke jo usme humne option jo hai wo exercise kiye, that is not being there and there is no more premium will be required after options is exercised. Ke uske baad jo options humne exercise ki hain. एक्सटेंडेड टर्म प्रीमियम आता है. हमारे पास एक्सटेंडेड टर्म प्रीमियम आते हैं. कब तक एक्सटेंडेड टर्म है? इफ द इंश्योर डज नॉट सिलेक्ट अ फॉर नॉन फॉर फीचर्स ऑप्शन, यानी इफ द इंश्योर डज नॉट सिलेक्ट अ नॉन फॉर फीचर ऑप्शन एंड हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड द ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन प्रोविजन एंड ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड द ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन प्रोविजन. मोस्ट इंश्योरर, अब क्या कह रहे हैं यहां, most insurer automatically place a cash value policy. Most insurer automatically place a cash value policy. कि यानी यहाँ पे automatically place cash value policy on a extended term premium. क्या करता है extended term premium? यानी if the insured does not select a non-forfeiture option and has not implemented the automatic premium loan provision, most insurer automatically place a cash value policy on a extended term option. कि वो खुद ब खुद produce कर देते हैं extended term option को. If the premium remained unpaid after the expiration of grace period, यानी कि अगर premium फिर भी unpaid रहता है after expiration of grace period, so that means most automatically cash value policy for extended term option में बदल जाती है. The policy cash value is used to purchase term insurance for any as many years as months. Years and months as allowed by a rate or in effect for the insured age when lapses occur. यानी कि वो आपको used to purchase term insurance for as many years or months as allowed. कितने years की allowed है? By rate in which the insured age are allowed by the rates in effect. यानी कि जो भी rates है in effect for the insured age when the lapses occur. जब भी lapses occur. Minimum guarantees regarding these options are included in the policy. मिनिमम गारंटीज रिगार्डिंग दिस ऑप्शन आर इंक्लूडेड इन द पॉलिसी. कितनी मिनिमम गारंटीज इनके पास जाएंगी और कितनी मिनिमम गारंटी से दे आर बीइंग अटैच्ड, कितनी गारंटीज इनके पास हैं. नाउ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिसी लोन्स. पॉलिसी लोन्स आर देयर. के पॉलिसी लोन्स क्या होते हैं? समटाइम्स द पॉलिसी ओनर मे नीड एक्सेस टू फंड्स दैट आर ओनली अवेलेबल थ्रू द कैश वैल्यू ऑफ हिज और हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. समटाइम्स पॉलिसी ओनर मे नीड एक्सेस टू फंड्स sometimes उन्हें required होती है, that is only available to their life insurance and it might be desirable to terminate the policy. There is a case the cash value may be borrowed from the insurer with the insurance coverage remaining intact. यानी आप उसमें पॉलिसी के ऊपर ही लोन ले लें, आप उसके ऊपर जब लोन लेंगे तो that means you can easily generate a policy loan. If the insured dies with the outstanding policy loan, the amount of loan is subtracted from the policy proceed बिफोर पेमेंट एंड इज मेड टू बेनिफिशियरी. जब अगर डेथ हो गई है तो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी की जो कैश वैल्यू है उसमें से अपना इस जो लोन है वो निकाल देगा और बाकी जो बेनिफिशियरीज को मिल जाएगा. हाउएवर बिकॉज द इंश्योरर कैलकुलेट्स प्रीमियम. इंश्योरर क्या करता है, कैलकुलेट्स प्रीमियम ऑन द अजम्पशन दैट द इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन द फंड सपोर्टिंग द पॉलिसी. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन टू एनीवन इंक्लूडिंग पॉलिसी ओनर हु बोरो सम ऑफ दीज फंड्स. कि वो जो बोरो कर रहे हैं उसको भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज हो रहे हैं. Unpaid interest accumulates and is added to the total loan outstanding.
yani unpaid interest accumulated and is added to the total loan outstanding. कि जितना अनपेड इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट हो गया एंड इज एडेड टू द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग, वो टोटल लोन आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो गया. नाउ इफ द पॉलिसी ओनर टेक्स अ पॉलिसी लोन बट स्टिल वांट्स टू मेंटेन अ फुल अमाउंट ऑफ डेथ प्रोटेक्शन, यानी इफ द पॉलिसी ओनर टेक्स अ पॉलिसी लोन बट स्टिल वांट्स टू हैव अ फुल डेथ प्रोटेक्शन, द वन ईयर टर्म डिविडेंड ऑप्शन कैन बी हेल्पफुल अज्यूमिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टिसिपेटिंग. यानी वन ईयर टर्म डिविडेंड ऑप्शन, वो जो डिविडेंड ऑप्शन अभी पड़ी थी वो आप ले लेंगे और अज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टिसिपेटिंग. क्या है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज बींग पार्टिसिपेटिंग. बिकॉज पॉलिसी विदाउट फ्लेक्सिबल प्रीमियम अरेंजमेंट विल लैप्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द ग्रेस पीरियड इफ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड व्हेन ड्यू. यानी बिकॉज पॉलिसी इज विदाउट फ्लेक्सिबल प्रीमियम, policies without flexible premium arrangements will lapse after expiration of grace period. Yani because policies without flexible premium, kiske liye flexible premium arrangement, because policies without flexible premium arrangements will lapse after expiration of grace period if premiums are not paid when due. Yani ki wo kya hota hai, without flexible premium will lapse, wo chhod jati hain after expiration of a grace period, ki after the expiration of grace period if premiums are not paid when due, ki jab premium nahi diye jate when they are being due. Many insurers encourage the use of an automatic premium loan provision. Many insurers, bahut sare insurers hain, encourage the use of automatic premium loan provision. Many insurers जो होते हैं that encourage the use of an automatic premium loan provision, कि automatic premium loan provision होती है, यानी many the use of automatic premium loan provision automatically authorize insured to use cash value to pay unpaid premium that are due. Policy loan from cash value life insurance contract generally are not taxable as income, यानी जो loan लिया जाएगा that is not being taxable. ठीक है, जो भी हमने कैश वैल्यू के ऊपर लोन लिया है दैट इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम. जैसे इनकम एक टैक्सेबल है उस तरह वो टैक्सेबल नहीं है. बेनिफिशियरी डेजिग्नेशंस, द बेनिफिशियरी ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अ इंश्योर्ड लाइफ एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इज इश्यूड. यानी कि उसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड लाइफ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इज इश्यूड. अटेंशन शुड बी गिवन टू द वे the beneficiary designation is worded. Attention should be given to the way that the beneficiary designation is worded so that death benefit will be paid to the indeed person. If children are listed by name then any subsequent children born to the insured will be excluded. Yani ki uske baad any children born to the insured, yani uske baad jo bhi bachcha hua hai wo excluded rahega. Thus is the better to say children of the insured, yani sirf itna hi kahe aap, ये नेम ना लें. अगर नेम लेंगे तो उसके बाद जो बच्चा होगा वो आपका उसमें नाम नहीं आएगा. तो दैट मींस चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड, जिसमें ऑटोमेटिकली बात क्यों हो या पहले क्यों, दैट इज बीइंग देयर. इफ द पॉलिसी इज इंटेंडेड टू बेनिफिट ऑल चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ इंश्योर्ड डेथ, अगर आप सारे चिल्ड्रन को बेनिफिट देना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ इंश्योर्ड, क्या आप एट द टाइम ऑफ इंश्योर्ड इंसानों को क्या देना चाह रहे हैं, बेनिफिट देना चाह रहे हैं, तो दैट इज बीइंग देयर, कि आप उसे इंश्योर्ड के हिसाब से लेकर आगे चलें. नाउ पॉलिसी ओनर हैव द राइट to change the beneficiary without notice of the those affected, yani ki wo kisi ko notice diye bagair apne beneficiary change kar sakta hai, lekin ha insurer ko batayega prior that the beneficiary was not named irrevocably, prior that ki unka name irrevocable clause mein nahi tha, jo humne last time padhi thi ki wo irrevocable clause hai ki jab tak aapka beneficiary ka consent nahi hoga to wo irrevocable nahi hoga. A irrevocable beneficiary, ab kya ho raha hai yahan pe, a irrevocable beneficiary has no control over policy. A revocable beneficiary has no control over the policy. जो revocable beneficiary है उसका कोई control policy पे नहीं होगा. But irrevocable beneficiary can be changed only if beneficiary gives written consent. But an irrevocable beneficiary can be changed only if the beneficiary gives written consent. कि जब वो written consent देगा. Contingent beneficiary will receive the policy proceed if primary beneficiary is not alive at the time of insured death. That is known to be a contingent beneficiary. If both the insured and the primary beneficiary die under such that it cannot be determined who will die the first. Yani ye bhi nahi kaha, such that it cannot be determined who died first. The general rule is that the proceed will be paid to the contingent beneficiaries. Yani kisko pay kar diya jayega? Contingent beneficiary ko. If both the insured and the primary
बेनिफिशरी डाई, दोनों को हो जाएगा तो याद रखिएगा इन केस ऑफ कोई भी नहीं पता है कौन पहले किसकी पहले डेथ हुई थी, तो याद रखिएगा सारा कुछ छुटके किसके पास चला जाएगा, दैट इज ऑन द कॉन्टिजेंट बेनिफिशरी, किस पे चला जाएगा, दैट इज ऑन द कॉन्टिजेंट बेनिफिशरी पे चला जाएगा और कॉन्टिजेंट बेनिफिशरी को आगे लेकर जाएगा. बेनिफिशरी डेजिग्नेशन, इफ द प्राइमरी बेनिफिशरी क्लियरली सर्वाइव्स द इंश्योर्ड एंड देन डाइज, यानी इफ द प्राइमरी बेनिफिशरी क्लियरली सर्वाइव्स द इंश्योर्ड एंड देन डाइज, यानी कि क्लियरली सर्वाइव्स द इंश्योर्ड एंड देन डाइज, द डेथ बेनिफिट इज पेएबल टू प्राइमरी बेनिफिशरी स्टेट, द डेथ बेनिफिट किसको होगा, प्राइमरी बेनिफिशरी स्टेट्स, यानी क्लियरली सर्वाइव्स प्राइमरी बेनिफिशरी क्लियरली सर्वाइव्स द डेथ क्लियर सर्वाइव द इंश्योर्ड एंड देन डाइज, यानी क्लियर सर्वाइव द इंश्योर्ड एंड देन डाइज. तो याद रखिएगा जो डेथ पेबल्स हैं वो प्राइमरी बेनिफिशरी स्टेट्स को दी जाएंगी, यानी कि प्राइमरी बेनिफिशरीज की जो स्टेट्स हैं उसको दी जाएंगी. द कॉमन डिजास्टर क्लॉज में बी यूज इन बेनिफिशरी डेजिग्नेशन, क्या कहते हैं सर, कॉमन डिजास्टर क्लॉज में बी एडेड टू द बेनिफिशरी डेजिग्नेशन, कि बेनिफिशरी डेजिग्नेशन में हम कॉमन डिजास्टर क्लॉज लाजमी लगाते हैं. स्पेसिफाइज दैट अपॉन एन इंश्योर्ड डेथ, अपॉन एन इंश्योर्ड डेथ, यानी कि अगर हम कहें स्पेसिफाइड दैट अपॉन एन इंश्योर्ड डेथ द इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर टू बी हेल्ड बाय द इंश्योरर. स्पेसिफाइज दैट अपॉन द इंश्योर्ड डेथ, किसकी हम कर रहे हैं, स्पेसिफाइज दैट अपॉन एन इंश्योर्ड डेथ, क्या हमारे पास इंश्योरेंस की डेथ, द इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर टू बी हेल्ड बाय द इंश्योरर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट टाइम इफ प्राइमरी बेनिफिशियरी इज अलाइव द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट पर्सन, प्रोसीड्स उसको दे दिए जाते हैं, अदरवाइज द डेथ बेनिफिट इज पेड टू द कंटिजेंट बेनिफिशियरी, यानी इसी फॉर्म में आपके अकाउंट के अंदर ये एडेड होती है, यानी इसी फॉर्म में ये अकाउंट में आपके आ रही होती है और उसी तरह ही हमारे पास एडजस्ट हो रही होती है. इन सिचुएशन वेयर नो प्राइमरी और कंटिजेंट बेनिफिशियरी आर अलाइव when the insured dies, in situation when where no primary or contingent beneficiary, where no primary or contingent beneficiaries are alive, yani in situation where no primary or contingent beneficiaries are alive, when the insured dies, the death benefit is paid to the insured state, yani insured state ki taraf chala jayega, insurance ki taraf jayega, yani state values ki taraf nikal jayega. एक्सक्लूडेड कॉजेज ऑफ डेथ, कि कुछ हम लोग डेथ की कॉजेज हैं जो हम लोग एक्सक्लूड भी कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी डेथ की टाइप्स हैं जो एक्सक्लूड करनी. अनकॉमन फॉर लाइफ इंश्योरेंस दैट टू एक्सक्लूड कवरेज ऑफ फॉर डेथ अराइजिंग आउट ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज, ओकेजनली यूज एक्सक्लूजन इन द वॉर हैजर्ड्स एक्सक्लूजन ड्यूरिंग पीरियड व्हेन देयर इज नो सीरियस थ्रेट ऑफ वॉर और अदर हॉस्टिलिटी इन्वॉल्विंग मिलिट्री फोर्सेज एटलीस्ट टू कंट्रीज, इंश्योरर मे इंसर्ट अ वॉर हैजर्ड एक्सक्लूजन इन पॉलिसी इश्यूड टू इंश्योर्ड who are either in a military or in a or an age that may cause them to become have a military duty. Eliminate insurance coverage of or death that is direct result of war or other hostile action between countries. The aviation hazard exclusion, ab kya aviation hazard exclusion limits the coverage for death from aviation activities other than as फेयर paying passenger or a commercial craft, यानी अगर आप aviation activities हैं जी नहीं, आप aircraft की activities के ऊपर हैं तो that is also being excluded, but if you are traveling like a passenger or aeroplane फेयर person है या commercial aircraft में, तो तब वो उसकी होंगी, वो included होंगी insurance coverage में, लेकिन aviation activities उसमें included नहीं होंगी जिसमें आप war aircraft जो है वो आप इसमें चला रहे होंगे. Rarely found in policies currently being issued, जो रेयरली फाउंड की जाती है आजकल जो पॉलिसी इशू दैट आर बीइंग इशूड. सेटलमेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट कर, देयर डिफरेंट वेज इन विच द पॉलिसी ओनर्स और अ बेनिफिशरीज मे इलेक्ट टू हैव अ बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी पेड, एंड डिफरेंट वेज इन विच द पॉलिसी ओनर ऑफ बेनिफिशरी, द डिफरेंट वेज इन विच द पॉलिसी ओनर ऑफ बेनिफिशरी मे इलेक्ट, यानी पॉलिसी ओनर ऑफ बेनिफिशरी मे इलेक्ट टू हैव द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी पेड, नहीं कि द डिफरेंस वेज इन विच द पॉलिसी ओनर ऑफ बेनिफिशरी मे इलेक्ट टू हैव बेनिफिट ऑफ पॉलिसी वे. लमसम ऑप्शन, प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर पेड इन लमसम, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बेनिफिट आर पेड इन दिस मैनर, इंश्योरर ऑब्लिगेशंस आर ओवर, उस पेमेंट के बाद इंश्योरेंस के ऑब्लिगेशन खत्म. फिक्स्ड पीरियड, द इंश्योरर पे द प्रोसीड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, the size of each installment varies with the desired frequency of payment, the size of each installment varies, the size of each installment jo hai wo vary kar jati hai with the desired frequency of payment, desired frequency of payment aa jaye. length of total time period, yani kya aa jayega, length of total time period during which payments are to be made, yani length of time period is there,
यानी लेंथ ऑफ टोटल टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पेमेंट्स आर टू बी मेड, किसमें पेमेंट मेड की जाएंगी, एंड इंटरेस्ट रेट पेड बाय द इंश्योरर ऑन प्रोसीड नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना इंटरेस्ट पे करेगा इंश्योरर उन पे जब भी उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की या उसने अभी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट नहीं की. Now, fixed amount also used when specified amount of income is desired. The length of time of payment are made is the function of size and frequency of each payment. Size or frequency pe base karta hai. Interest earned in excess of guaranteed level increases the length of time. Yani interest earned in excess of guaranteed level. The interest earned in excess of the guaranteed excess level increase the length of time during which payments are made. During which the payments are made. सेटलमेंट ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑप्शन क्या है, द इंश्योरर होल्ड्स द प्रोसीड ऑफ अ पॉलिसी, द इंश्योरर होल्ड्स द प्रोसीड ऑफ द पॉलिसी एंड पेज द बेनिफिशियरी एंड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ओनली. द इंश्योरर होल्ड्स द बेनिफिशियरी, इंश्योरर क्या करता है, होल्ड्स द प्रोसीड्स ऑफ द पॉलिसी एंड पेज द बेनिफिशियरी एंड इनकम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ओनली, यानी सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करते हैं. द गारंटीड मिनिमम रेट इज स्टेटेड ऑन पॉलिसी विद एक्सेस इंटरेस्ट ऑफन यूज टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट. द बेनिफिशियरी यूजुअली हैड द राइट टू विदड्रॉ सम और ऑल ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, और ये राइट दिया जाता है बेनिफिशियरी को कि तुमने सारी अमाउंट लेके जानी है या इस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट को अपने पास ही रखना है और या सिर्फ इसमें इंटरेस्ट लेते रहना है. तो दैट इज ऑन द इंटरेस्ट ऑप्शन की वो इंटरेस्ट ऑप्शन को कैसे यूज करता है. लाइफ इनकम ऑप्शन है, सेवरल वेरिएशंस गारंटीड अ बेनिफिशियरी एन इनकम ऑफ हिज ऑन रिमेनिंग लाइफ टाइम, यानी लाइफ इनकम होती है सेवरल वेरिएशंस. एडिशनल गारंटीज मे बी मेड कंसर्निंग द नंबर ऑफ पेमेंट्स दैट विल बी मेड और द गारंटीड टोटल गोल टू बी पेड रिगार्डलेस हाउ लॉन्ग द बेनिफिशियरी लिव्स. यानी ये भी है कि लाइफ इनकम पे सेवरल वेरिएशन गारंटी अ बेनिफिशियरी एन इनकम फॉर हिज और हर रिमेनिंग लाइफ टाइम, कि ये भी हो सकता है कि वो जो बेनिफिशियरी उसकी रिमेनिंग लाइफ टाइम पे वही चीज गारंटी कर दे कि हाँ जी इतनी अमाउंट आपने हर कहते हैं कंटिन्यूसली देते रहना ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. दिस इज कॉल्ड एज लाइफ इनकम ऑप्शंस. वेवियर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट, कई दफा वेवियर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम बेनिफिट. प्रोवाइड्स दैट द इंश्योर्ड हु बिकम डिसेबल बिफोर अ स्पेसिफाइड एज, हु बिकेम डिसेबल बिफोर द स्पेसिफाइड एज विल बी एक्सक्यूज फ्रॉम पेइंग अ प्रीमियम. ठीक है ना, कोई भी है तो, और फॉर एज लॉन्ग एज द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज, कोई डिसेबल हो गया तो आप उसमें यह भी कह सकते हैं कि हाँ जी प्रीमियम के जो बेनिफिट है प्रोवाइड दैट इंश्योर बिकम डिसेबल बिफोर स्पेसिफाइड एज विल एक्सक्यूज फ्रॉम पेइंग प्रीमियम, कि वो प्रीमियम नहीं पे करे. द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल हैव द सेम कैश वैल्यू डेथ बेनिफिट एंड डिविडेंड्स एज इट वुड हैव हैड इफ ऑल प्रीमियम्स हैज बीन पेड, बल्कि पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. पॉलिसी वेरी एज टू हाउ दे डिफाइन डिसेबिलिटी फॉर दिस पर्पस, पॉलिसी वेरी एज टू हाउ दे डिफाइन डिसेबिलिटी फॉर दिस पर्पस, यानी कि पॉलिसी वेरी करते हैं एज टू हाउ दे डिफाइन डिसेबिलिटी, कैसे हाउ दे डिफाइन डिसेबिलिटी फॉर दिस पर्पस. मैनी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर सिक्स मंथ वेटिंग पीरियड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी बिफोर प्रीमियम आर वेव्ड, यानी ये पॉलिसी वेरी एज हाउ दे डिफाइन डिसेबिलिटी फॉर दिस पर्पस. मैनी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर सिक्स मंथ वेटिंग पीरियड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिसेबिलिटी बिफोर प्रीमियम, यानी कॉन्ट्रैक्ट में सिक्स मंथ चाहिए होते हैं ताकि इवेल्युएट करें कि डिसेबिलिटी किस लेवल की है. This is not expensive and is generally recommended as a way of assuring that the life insurance policy will remain intact regardless of the insured health. यानी कि life insurance जो है वो intact रहे regardless of the insured health, कि whatever the insured health is, it remains intact, कि वो intact रहे. Accidental death benefits exist कर रहे होते हैं. Makes it possible for a beneficiary to receive an accidental death benefit if the insured dies from an accident. And it makes it possible for a beneficiary to receive an accidental death benefit if the insured dies from an accident. The size of the accidental death benefit is often equal to the face amount. Kiski hota hai? Face amount of policy. Numerous restrictions exist in this benefit. Common exclusion include death from suicide, deaths that occurs more than 120 days following an accident. Yani ke death that occurs more than 120 days following an accident. Death from illness, death due to war or aviation. यानी ये सब चीजें आगे numerous restrictions exist in the benefit. May leads naive insured to believe that their total death protection has doubled for only a small extra premium. यानी may lead naive insured to believe that their total death protection has doubled for only a small extra premium.
यानी कि डबल हो चुकी है फॉर अ स्मॉल एक्स्ट्रा प्रीमियम. हाउएवर एक्सीडेंट्स आर फार फ्रॉम बीइंग लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. एन एक्सीडेंट दैट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आर इवन लेस कॉमन. यानी जो सेटिस्फाई कर रहे हो डेथ को कि हाँ जी ये आपके पास डेथ बेनिफिट क्या नाम है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल हुई है वो बहुत कॉमन है, यानी बहुत कम ऐसी चीजें जो मानी जाती हैं कि हाँ जी दैट इज बिकॉज ऑफ डेथ की ये बिकॉज ऑफ डेथ हो रही है. एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट आते हैं, क्या आते हैं हमारे पास एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट आते हैं, ऑल्सो नोन एज लिविंग बेनिफिट ऑप्शन. क्या कहते हैं उसे हम लिविंग बेनिफिट ऑप्शन. अंडर द स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस अ परसेंटेज ऑफ पॉलिसी फेस अमाउंट डिस्काउंटेड फॉर इंटरेस्ट कैन बी पेड टू द इंश्योर्ड बिफोर डेथ. यानी कि फेस अमाउंट डिस्काउंटेड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से डिस्काउंट करके कैन बी पेड टू इंश्योर्ड बिफोर डेथ. सम इंश्योरर्स कंसिडर सच पेमेंट टू टर्मिनेट ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स टू बेनिफिट. यानी कि पहले ही दे देते हैं ताकि वो फ्यूचर के जितने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं उससे वो टर्मिनेट हो जाएं. अदर अलाउ सम और ऑल ऑफ एनी रिमेनिंग फेस अमाउंट टू बी पेड टू बेनिफिशियरी व्हेन द इंश्योर्ड डाइज. यानी अदर अलाउ ऑल और एनी ऑफ द रिमेनिंग फेस अमाउंट टू बी पेड टू बेनिफिशियरी व्हेन द इंश्योर्ड डाइज. यानी कि बाकी जो बच जाएगा वो आपके बेनिफिशियरी को पे किया जाएगा आफ्टर द डेथ. एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट कैन बी एन इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स फॉर पर्सन विद टर्मिनल इलनेस. यानी उसके लिए एक इनकम सोर्स बन जाती है फॉर टर्मिनल इलनेस. सम इंश्योरर ऑल्सो ऑफर दिस ऑप्शन टू पे फॉर द इंश्योर्ड लॉन्ग टर्म केयर नीड्स. कि उसकी लॉन्ग टर्म केयर नीड्स को भी पूरा करने के लिए भी ये होता है कि सम इंश्योरर्स also offer this option to help pay for insured long-term care needs. An additional agreement known as long-term care rider may be attached to permanent form of coverage. Any some insurer also offers this option to help to pay the insurer long-term care needs. Ki uski long-term care needs ho sakti hai, uske terminal illness ke kharche jo hai wo pure ho sakte hai. Then there are many cases jiske through wo apne kharchon ko pura kar sakta hai. Variations exist among insurers regarding the percentage of death benefit that can be paid in an accelerated basis. Whether additional premium is charged, क्या उसके ऊपर additional premium charge किया जाएगा? The type of policy for which main benefit options are available, यानी कि what the type of policy for which this benefit option is available. Whether the accelerated death benefit can be payable in lump sum or in via installment, क्या वो death benefit जो है वो lump sum में देना है या via installment देना है. Whether complete surrender of all future police owner, whether complete surrender of all future policy owner rights accompanies the payment of accelerated benefit, accompanies the payment of accelerated benefit when the complete surrender of all future policy owner, yani ke whether complete surrender of future policy owner, complete surrender of all future policy owner rights accompanies the payment of accelerated benefit. यानी कि whether complete surrender of all future policy owner rights, जितने ही future policy owner rights हैं, accompanies the payment of accelerated benefit. के यानी accelerated benefit के साथ आपने all future rights को surrender कर रहे हैं. Now, one of the factor impeding the growth of living benefit option is concern that the payment and erodes the death benefit protection provides for the beneficiary. Often one of the major reason of purchasing of life insurance policy is in first place. Until recently another problem has been unclear tax status. Should living benefit has exempt from income tax or not? The Health Insurance Portability and Act states that from December 1996 forward accelerated death benefit are excluded from taxable income. And if the physician certify that the insurer has terminal illness, this is about to result in death within the 12 month or 12. And if, यानी कि वहाँ पे कह रहा है कि terminal illness है और उनकी death within 12 month or less में हो सकती है, तो that is known to be as a for December 31st 1996. उसने कहा जी accelerated benefits पे excluded from taxable income, कि taxable income से वो excluded है. Spendthrift trust clause, one of the legal rights granted to the life insurance owner in most states that the exemption of death proceed in cash value from claim of creditor. Credit cannot attach the cash value of life insurance for the payment of insured debt unless the insured has wrongfully bought or paid up a life insurance policy with money rightfully subject to creditor claims. Neither may be insured creditors attach the death proceeds of life insurance. Yani death proceeds ke saath creditors apna jo debt hai wo bhi saath attach kar lein. Many of the beneficiary incur large debt using
as a security the right to receive the income from a life insurance proceeds. Technically, this is possible unless the state law has provision to the contrary or unless the law has permitted the attachment of spendthrift trust law. If this clause is attached to the life insurance policy, kisse attach ho? Life insurance policy se attach ho. The beneficiary's right to that promised income cannot be attached to creditor in any court in the state resident. Without such a clause, there might be a temptation for an unscrupulous creditor to persuade a beneficiary to purchase good beyond the ability to pay, secure in the knowledge that the life insurance could be attached. Once the proceed has been paid to the beneficiary, the protection is lost since the money lose the its identity as a life insurance proceed. Life insurance proceed ke alawa usne apni kya kiya, money ne apni value ko lose kar diya. Grace period and reinstatement clause. This law clause also exists, always gives the insured an extra 30 days in which to pay the premium that due before lapse takes place. Any additional payment ka time dete hain jiske andar wo apne kya naam hai further premiums ko लैप्स करता है और उसके अंदर टेक प्लेस कर रहा होता है. कैन फोरस्टॉल पॉलिसी लैप्सेस एज लॉन्ग एज सफिशिएंट कैश वैल्यू एग्जिस्ट टू कवर द प्रीमियम ड्यू. यानी कैन फोरस्टॉल पॉलिसी लैप्सेस को कर सकता है एज लॉन्ग एज सफिशिएंट कैश वैल्यू एग्जिस्ट टू कवर द प्रीमियम ड्यू. वंस द पॉलिसी एक्चुअली लैप्सेस, स्पेशल एप्लीकेशन मस्ट बी मेड अंडर द रीइंस्टेटमेंट क्लॉज टू रिकवर रिस्टोर द कवरेज. Contract may be reinstated with a certain period after a lapse, usually 3 or 5 years, with the evidence of insurability. Sometimes a new medical exam must be taken, but in most cases the insured is only to make statement of personal goods health at the time of reinstatement. Of course, यानी कि आपने उसे medical exam भी चाहिए होगा दोबारा से कि आपकी medical examinations भी होंगी ताकि कि आप person is in good health at the time of reinstatement. Because you are talking about life insurance, तो definitely वहाँ पे आपको reinstatement की requirement होंगी. Reinstatement often reopens the incontestability clause for another 2 years, but generally the suicide clause is held not to be reopened. लेकिन उसमें जो suicide clause है वो open नहीं किया जाता. हाँ, incontestability clause जो है वो ओपन कर दिया जाता है फॉर अनदर 2 ईयर. इट इज समटाइम डिजायरेबल टू रीइंस्टेट द ओल्ड पॉलिसी रादर देन टू टेक न्यू वन बिकॉज द ओल्ड पॉलिसी मे हैव सर्टेन प्रोसीजर. यानी कि उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस अटैच्ड होती हैं, सच एज मोर फेवरेबल सेटलमेंट ऑप्शंस, इमीडिएट एलिजिबिलिटी फॉर डिविडेंड एंड हायर इंटरेस्ट अजम्पशंस. क्योंकि उनका ऑलरेडी टाइम गुजर चुका होता है, तो दैट मीन्स इट इज वुड बी मोर पॉपुलर कि अगर वो वहां पे उस तरह से एस्टेट हो और हायर इंटरेस्ट अजम्पशंस एग्जिस्ट कर रही हूं. Also, no new acquisition cost have to be paid in reinstatement policy. Okay, new acquisition cost कोई भी नहीं pay करनी पड़ती for reinstatement, as they would on the new contract. लेकिन new contract में आपको acquisition cost pay करनी पड़ती, और acquisition cost को आप pay करेंगे तो तब भी आपके पास आगे चीजें चल सकेंगी कि that how you are going to pay it and how you are going to evaluate it. So, that's the end of our chapter number 13. जो ऑफ यू द टेक्स्ट बुक दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू. द टेक्स्ट बुक इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बाय जॉर्ज रिश्टा एंड दैट इज 12th एडिशन. एंड साथ ही हम थोड़ा सा उसे कंबाइन करके चल रहे हैं विद रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस बाय ट्राइसमैन, हॉयट एंड सोमर. 12th एडिशन उसका भी सेम है और दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, उन्हीं को हम यूज करके चल रहे हैं. वी हैव कवर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ एवरीथिंग. कुछ चीजें आज की भी थी, कुछ चीजों को मैं इसमें भी रिपीट करूंगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर हमारा कंप्लीटली रिवीजन की तरफ जाएगा कि हमारे पास कंप्लीटली रिवीजन होगी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, हमने उसे कैसे वैल्यू करना है और किस तरह से वैल्यू करके आगे लेकर चलना है. तो हम लोग इन लास्ट लेक्चर में डेफिनेटली कंप्लीट रिविजन करेंगे कि किस तरह से हमने रिवाइज करनी है चीजों को, कैसे वैल्यू करना है. आज के भी कुछ टॉपिक्स है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिटायरमेंट प्लान्स. के रिटायरमेंट प्लान्स देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लान्स कैसे हो सकते हैं, पेंशन प्लान्स कैसे बनते हैं, एंड साथ ही हम वर्कर कंपनसेशन प्लान्स को भी फर्दर और डेप्थ में देखें. अभी भी कुछ देखा है हमने, लेकिन अभी से हम फर्दर और डिटेल में देखेंगे कि और डिटेल में हमारे पास किस तरह से मोर कंपनसेशन प्लान्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हमें पता लगे. बिकॉज आगे जो हमारे चार लेक्चर हैं दैट आर टोटली रिलेटेड टू रिटायरमेंट प्लान्स एंड अदर वन इज रिलेटेड टू द वर्कर कंपनसेशन प्लान्स. तो उसके बाद हम देखेंगे कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, हमने किस तरह से आगे मूव करना है और कैसे मूव करके आगे लेकर जाना है. सो
That's the end of the today's lecture. I hope you understand each and everything. And but we have covered a lot of things. Har cheez ko dekha hai, kis tarah ke clause hote hain, incontestability clause, suicide clause, settlement options, interest options. These are the many concepts which are being involved. So be careful in preparation. Do read the book. बुक लाजमी पढ़े तो बेहतर है आपके लिए और जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 26. अल्लाह हाफिज़.